इस जगह की वजह से इसके आसपास का इलाका सबसे खतरनाक माना जाता था, मगर आज इसका नाम हमारे भीतर देशभक्ति की भावना जागृत करता है। आम भारतीयों के लिए काला पानी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए भारत का बेस्टल कहा जाने वाला ये सेलुलर जेल है, जो आज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के तीर्थस्थल से कम नहीं है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में एटलांटा पॉइंट पर स्थित सेलुलर जेल वास्तुकला के नजरिए से बहुत ही खास है। अपने निर्माण के दौरान इसमें 7 विंग या विस्तृत इमारतें थी और आज इनमें से सिर्फ 3 देखे जा सकते हैं। इसका निर्माण इस तरह से किया गया था कि हर कैदी को दूसरे कैदी से अलग रखा जा सके। इसकी रूपरेखा पेनोप्टिकॉन प्रणाली से प्रेरित है, जिसमें मध्य भाग में मौजूद टावर से चौकीदार जेल के विंग में कैदी पर नजर रख सके, वो भी बिना कैदी के चौकीदार को देखे। सेलुलर जेल से जुड़े कई पहलू आज इसकी सलाखों के भीतर दफन है। आइए आपको इनमें से कुछ के सफर पर ले चलते हैं। सेलुलर जेल पीनल सेटलमेंट या कैदी वसाहत का हिस्सा था, जहां पर कैदियों को दूर दराज इलाके में कैद रखा जा सकता था। मगर इसके पहले भी एक ऐसी ही जगह अंडमान में थी, जिसका निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेक्षक लेफ्टिनेंट अर्चिबाल्ड ब्लेयर ने 18वीं शताब्दी के अंत में सन 1790 के दशक में किया। ये इलाका अंग्रेजों के सिंगापुर, म्यांमार और मलेशिया में पहले बनाए गए कैदी वसाहतों के तहत बनाया गया था, मगर फैल रही बीमारियों और स्थानीय आदिवासियों द्वारा हमलों ने अंग्रेजों को वहां सन 1796 तक ही सीमित रखा और ये क्षेत्र आने वाले 5 दशकों तक वीरान रहा। अठारह के गदर के बाद जब कई बागी और भगौड़ों की गिरफ्तारी हुई, तब उनकी संख्या भारतीय उपमहाद्वीप में मौजूद जेलों की संख्या से ज्यादा पाई गई थी। इसको एक मौके के तौर पर देखकर अंग्रेजों ने अंडमान का फिर से रुख करना मुनासिब समझा, जहां पर कैदी वसाहत का निर्माण इन्हीं कैदियों द्वारा किया जाएगा। गौरतलब है कि उन दिनों बहुत भारतीयों में ये अंधविश्वास था कि समुद्र पार करना अपशकुन होता है, जिसके कारण वे अछूत माने जाते हैं। अंग्रेजों ने इसी अंधविश्वास को हवा देते हुए हिंदू ग्रंथों से काला पानी का नाम पाया, जिसके कारण सेलुलर जेल आगे चलकर काले पानी की सजा के नाम से मशहूर हुआ। वहीं अंडमान समिति के निर्माण और सुझाव के तहत जनवरी सन 1858 को अंग्रेज वापस अंडमान आए और अर्चिबाल्ड के सम्मान में जगह का नाम पोर्ट ब्लेयर रखा गया। 2 महीने बाद 10 मार्च सन 1858 को 200 कैदियों का पहला जत्था आया, जिनको नए कैदी वसाहत बनाने का जिम्मा सौंपा गया, जिसमें उनको बारिश, सांप, बिच्छू, कीड़े मकौड़ों और यहां तक आदिवासियों के तीर धनुष का सामना करना पड़ा। जैसे जैसे भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेजों के प्रति आक्रोश बढ़ता गया, कलकत्ता, मद्रास, बंबई और कराची के बंदरगाहों से आ रहे कैदियों की संख्या बढ़ती चली गई, जिनमें से कई सारे कैदियों ने अंग्रेजों के खिलाफ
जंगों और आंदोलनों में हिस्सा लिया। इन्होंने उन कैदियों की जगह भरी जो मौसम, कठोर श्रम और आदिवासियों से मारे गए थे। इस दौरान इन्होंने रॉस, हैवलॉक और वाइपर द्वीपों के जंगल काटकर आलीशान बंगलों, जेल, बैरक और फांसी घरों का निर्माण किया। इसके लिए जहां एक तरफ बगल के चाथम और म्यांमार से निर्माण की मूल सामग्री आ रही थी, वहीं इंग्लैंड से अनेक प्रकार की हथकड़ियां और यातनाओं के लिए अनेक सामान आदि लाए जा रहे थे। सन 1890 के दशक के अंत तक जब कैदियों की तादाद निर्धारित संख्या से बढ़ चुकी थी, तब अंग्रेजों को एक अत्यधिक सुरक्षित जेल की जरूरत महसूस हुई, जहां पर कोई भी स्वतंत्रता सेनानी अपने विचारों को ना फैला पाए। इसके तत्पश्चात अक्टूबर सन 1896 को सेलुलर जेल का निर्माण शुरू हुआ, जो लगभग 10 साल तक चला। इसका निर्माण इस तरह से किया गया था, जहां मध्य में पहरे की मीनार होती है और वहीं से 7 विंग्स या विस्तृत इमारतें जाती थी। ये इमारतें 3 मंजिला थी और इसमें करीब 698 कैदियों को एकांत कारावास में रखा जा सकता था। सन 1909 में सेलुलर जेल में पहले कैदी के आने से लेकर लगभग 3 दशकों तक अंग्रेजों द्वारा दुर्व्यवहार और अमानवीय यातनाओं का मंजर जारी रहा। यहां पर कैदियों को कम कपड़ों और खाने के साथ कठोर मेहनत करवाई जाती थी। वही काम को पूरा न करने पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। इसके साथ कैदियों को अनेक प्रकार की हथकड़ियां भी लगाई गईं, जिसको उन्हें कई दिनों या महीनों तक पहने रहना होता था। मगर इसका सिलसिला सन 1930 के दशक में तब खत्म हुआ, जब महावीर सिंह और मोहित मोइत्रा जैसे क्रांतिकारियों ने आमरण अनशन किया। इस फिराक में कई और भी स्वतंत्रता सेनानियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसके लिए उन्होंने अंग्रेजों के कई प्रकार की यातनाएं भी झेली। लेकिन जब इसकी आवाज मुख्यधारा भारत तक पहुंची और महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में कैदियों की स्थिति को सुधारने की बात को अंग्रेजों के कानों तक पहुंचाई, तब उनको मजबूर होकर कैदियों की हालत सुधारने के लिए कई पुख्ता कदम उठाने पड़े। मगर ये सुधार कुछ सालों तक ही टिके, क्योंकि सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के चलते सेलुलर जेल को खाली करके कैदियों को मुख्य धारा भारत में लाना पड़ा। सन 1941 में आए भूकंप और सन 1942 से लेकर 1945 में जापानी सेना के कब्जे ने सेलुलर जेल की 4 विस्तृत इमारतों को भारी तबाही दी। इस दौरान 30 दिसंबर सन 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस यहां आए और अंडमान और निकोबार द्वीपों को शहीद और स्वराज के नाम दिए। युद्ध की समाप्ति और सन 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद सेलुलर जेल की एक विस्तृत इमारत ने वर्तमान गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल का रूप लिया। वहीं कई स्वतंत्रता सेनानी जो यहां कैद हुए थे, उन्होंने सेलुलर जेल को उनके जीवन के अभिन्न हिस्से के तौर पर पुनर्निर्माण करने की अपील की थी, और इसको मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने 11 फरवरी सन 1979 में इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। आज सेलुलर जेल भारत के अत्यधिक लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में गिना जाता है, जहां का संग्रहालय और लाइट एंड साउंड शो को कईयों ने यादगार करार दिया है।
एक जमाने में औपनिवेशिक हुकूमत की क्रूरता का खामोश गवाह सेलुलर जेल आज अनेक महान स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी और उनके जद्दोजहद का महत्वपूर्ण गढ़ है।